तो चलिए अब राशि अनुसार अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों के लिए कौन सा तिलक शुभ है, पंडित जी बताएंगे। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका स्वामी ग्रह मंगल है। मेष राशि का स्वामी मंगल ग्रह है और मेष राशि वालों को लाल रंग का चंदन लगाना चाहिए। चमेली के तेल में पीला वाला सिंदूर जिसमें थोड़ा सा पारे का अंश होता है, पीला वाला सिंदूर घोल करके और उसे अपने माथे पर अंगूठे से लगाना चाहिए, या लाल चंदन की भी लकड़ी मिलती है और बड़े सुगमता से मिल जाती है। जैसे सफ़ेद चंदन की जो लकड़ी होती है जिसको मलयागिर चंदन कहते हैं, वो तो बड़े मुश्किल से मिलता है, देश में उसकी तस्करी बहुत जोरों पे होती है, 50-60 हज़ार रुपये किलो मिलता है, लेकिन ये लाल चंदन की लकड़ी जो है बड़े आराम से और बड़े सस्ते दामों में मिल जाती है। तो लाल चंदन की लकड़ी को पत्थर पर घिस करके शक्ति के उपासकों को चाहिए कि उसका तिलक अपने को भी लगाएं और भगवती दुर्गा को भी लगाएं। अच्छा, इस तिलक से क्या होगा, एक तो आत्मविश्वास बढ़ेगा और दूसरे ऊर्जा और कार्यक्षमता का विकास होगा। अगर आप कर्ज में बहुत दबे हुए हैं और ऋण मोचन मंगल स्त्रोत पढ़ करके आप अपने माथे पर लाल चंदन का तिलक करेंगे तो ऋण मुक्ति में भी आपको सहयोग मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि लाल चंदन का तिलक करने वाले मेष राशि के जातकों का वैवाहिक जीवन सुखी रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां अग्निवासिनी। तो मेष राशि की तो बात हो गई, अब बात हम कर लेते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए कौन सा तिलक शुभ है और कौन सा तिलक इन्हें कामयाब बनाएगा। वृषभ राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। वृषभ राशि वालों को कुमकुम और अक्षत का तिलक अपने माथे पर लगाना चाहिए। पहले कुमकुम को हल्का सा जल में भिगो लें, उसके बाद अपने माथे पर लगाएं और उसके बाद अखंडित चावल के कुछ दाने अपने माथे पर उस कुमकुम पे चिपका दें। ये तिलक अगर नित्य आप शुरू कर दें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि दुनिया की सारी सुख सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी, लेकिन इसको आप रेगुलर अपने जीवन में अपनाएं। अच्छे अच्छे व्यवसायी जो हैं, जो धर्मात्मा व्यवसायी हैं, जिनके पास लक्ष्मी के साथ साथ धर्म भी है, जो धर्म रूपी नाव पर बैठ करके माँ लक्ष्मी की कृपा से सराबोर हो रहे हैं, ऐसे लोग अपने माथे पर तिलक करके और चावल चिपका करके तभी आकर के अपने व्यावसायिक स्थल पर बैठते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है और ऐसे लोग सदैव आर्थिक स्थिति से सुदृढ़ रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि वालों के लिए कौन सा तिलक है शुभ, कौन सा तिलक इनको हर काम में सफल बनाएगा, आइए जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों का स्वामी ग्रह बुध है। मिथुन राशि के जातकों को अनामिका उंगली से सूखे सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए जिसमें तेल ना मिला हो, या अष्टगंध का तिलक माथे पर लगाना चाहिए, इससे बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, कारोबार में लाभ मिलता है, प्रतियोगिता में सफलता मिलती है। और नित्य अष्टगंध का तिलक लगाने वाला व्यक्ति स्मरण शक्ति से मजबूत रहता है, उसके भूलने की आदत खत्म होती है। और यदि बुध ग्रह आपकी कुंडली में अस्त है और आपकी मेमोरी पावर बहुत कमज़ोर है,
आप पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं, आप घर में ही क्या सोच रहे थे भूल गए, फिर छटपटाने लगते हैं कि अभी मैं क्या सोच रहा था, किसको फोन करने वाला था, अब क्या हो गया, अब याद नहीं आ रहा है। अगर इन सब दुविधाओं से आप जूझ रहे हैं तो आप अपने घर काशी का बना हुआ एक शुद्ध अष्टगंध की शीशी लाइए और अष्टगंध को पानी में घोलकर अपने माथे पर तिलक लगाइए और नीचे हल्दी से बना हुआ जो कुमकुम है सूंघ करके देख लीजिएगा, हल्दी वाला ही कुमकुम होना चाहिए, उससे भी आप एक तिलक लगाइए। इससे आपकी मेमोरी पावर, आपकी स्मरण शक्ति तेज होगी। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात कर्क राशि की, तो कर्क राशि वालों के लिए कौन सा तिलक है शुभ, कौन सा तिलक इनको बना सकता है सफल, आइए जानते हैं। कर्क राशि का स्वामी ग्रह चंद्रमा है, ऐसे लोगों को हर दिन सफेद चंदन अर्थात मलयागिर चंदन का तिलक लगाना चाहिए। हो सके तो मलयागिर चंदन खूब घिस करके शिवलिंग पर भी त्रिपुंड जैसा एक आकार बनाना चाहिए, तीन उंगलियों से, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, इन तीनों उंगलियों को चंदन में डुबा करके शिवलिंग पर एक त्रिपुंड बनाना चाहिए, अर्धचंद्राकार त्रिपुंड बनाना चाहिए और अपने माथे पर भी त्रिपुंड बनाना चाहिए। इससे मन शांत रहता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, सूझबूझ की क्षमता बढ़ती है, क्रोध समाप्त होता है, वाणी पर नियंत्रण रहता है, खर्च नियंत्रित होता है, रोग की समाप्ति होती है। और यदि सफेद मलयागिर चंदन उपलब्ध नहीं है तो भैया बहुत अच्छी अच्छे ब्रांड की इस समय विभूति मिल रही है भस्म, उसे आप एक कटोरी में रख लीजिए, थोड़ा सा उसमें पानी डाल दीजिए, सुबह के समय अगर उसे आप लगा रहे हैं तो उसको घोल करके और त्रिपुंड अपने माथे पर लगा लीजिए, उतना ही फल मिलेगा जितना फल आपको मलयागिर चंदन लगाने पर मिलता है। सुबह आप तिलक लगा रहे हैं नहाने के बाद तो गीली भस्म का तिलक लगाइएगा, और रात में अगर आप तिलक लगा रहे हैं तो सूखी भस्म का तिलक लगाइएगा। रात में न तो चंदन लगाना चाहिए और न तो गीली भस्म लगानी चाहिए। ऐसा क्यों हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि रात को गीली भस्म नहीं लगाना चाहिए, रात को तिलक नहीं लगाना चाहिए, क्यों ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है? इसके पीछे आप जाएंगे तो जो हमने जाना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। रात में अगर आप तिलक लगा लेंगे या रात में आप गीले भस्म का तिलक लगा लेंगे और उसके बाद में रात में सोना है आप सोएंगे तो गीले तिलक की पपड़ी छूट करके आपके आँखों में जा सकती है, जो आपके आँखों को नुकसान पहुँचा सकती है। उसी तरह से गीले भस्म की पपड़ी जो है छूट करके आपके आँखों में जा सकती है, जो आपके आँखों के लिए हानिकारक है। और सूखी भस्म अगर आप लगाते हैं तो उसका अगर कोई कण गिर के आँख में जाएगा भी तो वो नुकसानदायक नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूँ सनातन धर्म में कोई छोटा से छोटा कार्य भी बिना उद्देश्य के नहीं है। इसीलिए बार बार कहता हूँ सनातन धर्म जैसा सिद्धांतवादी कोई धर्म है ही नहीं है। यहाँ छोटी सी छोटी बात के पीछे भी एक बहुत बड़ा लॉजिक, एक बहुत बड़ा विज्ञान, एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं हम सिंह राशि वालों की, तो सिंह राशि वालों के लिए कौन सा तिलक है शुभ, कौन सा तिलक इनको हर काम में बनाएगा कामयाब, आइए जानते हैं। सिंह राशि वालों का स्वामी ग्रह सूर्य है, सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए सिंह राशि वालों को हर दिन लाल चंदन या हरी चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाना चाहिए। ऐसे तिलक से इनका मान सम्मान बढ़ेगा, संपत्ति का सुख बढ़ेगा, पिता का सहयोग मिलेगा, जीवन के हर क्षेत्र में
सफलता और समृद्धि मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। तो कन्या राशि वालों के लिए कौन सा तिलक है शुभकारी, कौन सा तिलक इनको नौकरी और बिजनेस में कामयाबी दिलाएगा, आइए जान लेते हैं। कन्या राशि का स्वामी ग्रह बुध है, आपको भी पता है। तो कन्या राशि के जो जातक हैं उन्हें स्नान के बाद अनामिका उंगली से, रिंग फिंगर जिसको कहते हैं, सूखा सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए, पीला वाले सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए जिसमें तेल न मिला हो, या अगर सूखा सिंदूर नहीं है तो अष्टगंध का गीला तिलक लगाना चाहिए। इससे बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, कारोबार में लाभ होगा, प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। आजकल तो तिलक लगाने को लोग पाखंड समझने लगे हैं। अगर कोई तिलक लगाता है तो सामने वाले देख करके, अरे तुम ऐसे कैसे आ गए हो, स्कूल में भी बच्चों के लिए कह देते हैं, अरे तुम ऐसे कैसे आ गए हो। नौकरी करने वाला बंदा अगर तिलक लगा के आता है तो उसको भी टोकने वाले हैं। अरे तिलक सिर्फ धर्म का प्रतीक नहीं है, ये मानव जीवन के विकास की एक कड़ी है। आप ऐसे समझिए कि जिस तरह से आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए भोजन आवश्यक है, उसी तरह से आपके मस्तिष्क को उर्वरावान बनाने के लिए, आपके मस्तिष्क को संतुलित रखने के लिए तिलक की आवश्यकता है। और ये बहुत सोच समझ करके तिलक लगाने की परंपरा सनातन धर्म में है। देवी देवताओं को तिलक लगाया जाता है, तो मनुष्य अगर तिलक लगाता है तो इसमें गलत कहां है। तो तिलक लगाना सनातन धर्म का एक अनिवार्य अंग है, और यदि तिलक लगाने को कोई बुरा मानता है तो मैं तो समझता हूं कि वो व्यक्ति खुद बहुत ज्यादा कुंठित है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, वो व्यक्ति कुंठित है, वो व्यक्ति अपने से ही संतुष्ट नहीं है, इसलिए दूसरे का तिलक उसे अच्छा नहीं लग रहा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो तुला राशि वाले काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, तो तुला राशि वालों के लिए कौन सा तिलक है शुभ, कौन सा तिलक इनकी आर्थिक स्थिति को करेगा मजबूत, आइए जान लेते हैं। तुला राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। तुला राशि वालों को अक्षत और कुमकुम का तिलक अपने माथे पर लगाना चाहिए। ऐसा तिलक लगाने से इनको सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं और मां लक्ष्मी की विशेष अनुकंपा मिलती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, कर्ज के मकर जाल से निकलने में राहत मिलती है। और जो लोग तुला राशि के हैं और वो लोग पहले भगवान श्री कृष्ण, राम या विष्णु को तिलक लगाकर उसके बाद स्वयं तिलक लगाते हैं, ऐसे लोग निःसंदेह इस जन्म में तो सुख भोगते ही हैं, अगला जन्म भी उनका अच्छा होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए कौन सा तिलक है शुभ, कौन सा तिलक इनको कर्ज से दिलाएगा मुक्ति, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों का स्वामी ग्रह मंगल है। वृश्चिक राशि के जातकों को लाल चंदन की लकड़ी लेकर के उसे पत्थर पर खूब घिस करके और सुंदर उसका चंदन उतार करके अपने माथे पर तिलक करना चाहिए, या चमेली के तेल में सिंदूर अनामिका उंगली से घोल करके और उसे अपने माथे पर लगाना चाहिए। ऐसे तिलक से आत्मविश्वास बढ़ेगा, ऊर्जा और कार्यक्षमता का विकास होगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं हम धनु राशि वालों की। तो धनु राशि वालों के लिए कौन सा तिलक है शुभ, कौन सा तिलक इनकी आर्थिक स्थिति को बनाएगा मजबूत, आइए जान लेते हैं। धनु राशि के जातकों का स्वामी ग्रह गुरु ग्रह है। धनु राशि वालों को सफेद चंदन में केसर मिलाकर तिलक लगाना
चाहिए या पीले चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाना चाहिए। चंदन नहीं खरीद सकते हैं तो शुद्ध हल्दी का तिलक लगाना भी आपके लिए फायदेमंद है। ऐसा तिलक लगाने से धनु राशि वालों का मन शुद्ध रहेगा, मन में सकारात्मक विचार आएंगे, आर्थिक परेशानियां दूर होंगी और जीवन में सुख बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से हम बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों के लिए कौन सा तिलक है शुभ, कौन सा तिलक इनको हर नुकसान से बचाएगा, आइए जान लेते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मकर और कुंभ दोनों राशियों के स्वामी शनि ग्रह हैं, तो मकर राशि का स्वामी शनि ग्रह है, शनि की कृपा सदैव बनी रहे, इसलिए ऐसे लोगों को भस्म विभूति लाल चंदन का तिलक लगाना सबसे शुभकारी माना जाता है। मकर राशि के जातकों को हमारी समझ से सवेरे भस्म को घोलकर त्रिपुंड लगाना चाहिए, क्योंकि शनि देव भगवान शिव के अनन्य उपासक हैं, और सायंकाल सूखी भस्म लगानी चाहिए, सूखी भस्म का त्रिपुंड लगाना चाहिए। अगर ये उपाय रेगुलर आप अपने जीवन में अपना लें तो आपका काम बिना विलंब के पूरा होगा और किसी तरह का कभी कोई भारी नुकसान भी नहीं होगा, अचानक कोई जीवन में विपत्ति भी नहीं आएगी। बस तिलक लगाते समय भगवान शिव का ध्यान जरूर करिए, तिलक लगाते समय भगवान शिव का ध्यान जरूर करिए और कोशिश करिए कि घर से निकलने के पहले आपके माथे पर भस्म विभूति लगी हो, निश्चित रूप से ये आपके जीवन को बदल देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चले बिना वक्त गवाए बात कर लेते कुंभ राशि वालों की। तो कुंभ राशि वालों के लिए कौन सा तिलक है शुभकारी, कौन सा तिलक इनके सभी कामों को बनाएगा, आइए जान लेते हैं। देखिए कुंभ राशि के जातकों का भी स्वामी ग्रह शनिदेव ही हैं, शनि की कृपा पाने के लिए इनको भस्म विभूति या लाल चंदन का ही तिलक लगाना चाहिए। ऐसा तिलक लगाने के से इनके सभी कार्य बिना विलंब के पूरे होंगे, इनकी हर मनोकामना पूरी होगी और इनका आध्यात्मिक उत्थान भी होगा और किसी तरह का भारी नुकसान नहीं होगा, अचानक कोई जीवन में विपत्ति नहीं आएगी। जो कुंभ राशि के जातक नित्य भस्म विभूति का तिलक लगाते हैं या फिर अष्टगंध का तिलक लगाते हैं वो सदैव सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। मीन राशि वालों के लिए कौन सा तिलक है शुभ, कौन सा तिलक इनकी आर्थिक स्थिति को करेगा मजबूत, आइए जानते हैं। मीन राशि का स्वामी ग्रह बृहस्पति है। मीन राशि वालों को सफेद चंदन में केसर घिसकर और उसी का तिलक अपने माथे पर लगाना चाहिए। अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के आप भक्त हैं, तो आपको खड़ा चंदन लगाना चाहिए। यदि आप शक्ति की उपासना करते हैं, भगवान शिव की उपासना करते हैं, तो आपको त्रिपुंड या गोलाकार अंगूठे से माथे पर तिलक लगाना चाहिए। अगर मलयागिर चंदन महंगा है, नहीं ले सकते हैं, तो शुद्ध हल्दी का तिलक लगाना भी फायदेमंद होगा। हल्दी को पानी में गीला कर लीजिए और हल्दी का टीका अपने माथे पर लगाइए, उस पर चावल के कुछ दाने भी चिपकाइए और अगर हो सके तो मंत्र पढ़िए, चंदनम वंदते नित्यम, पवित्रम पापनाशनम, आपदम हरते नित्यम, लक्ष्मीर्वसत सर्वदा। तो ऐसा तिलक लगाने से मीन राशि के जातकों का मन भी शुद्ध रहेगा, सकारात्मक विचार भी आएंगे, आर्थिक परेशानियां भी दूर होंगी और जीवन में सुख समृद्धि भी बढ़ेगी। जय मां विंध्यवासिनी।